इंदौर के लसूड़िया इलाके में किराए से रहने वाले एक इलेक्ट्रीशियन ने फांसी लगाकर जान दे दी। बताया जाता है कि पैसों की दिक्कत के चलते उसने अपनी बाइक भी गिरवी रख दी थी। सोमवार दोपहर वह भाई को होटल छोड़कर आया और कमरे पर फांसी लगा ली। शाम को दोस्त कमरे पर पहुंचा तो उसने शव के नीचे उतारा। पुलिस के मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक घटना लसूड़िया इलाके की स्कीम नंबर 78 की है। यहां रहने वाले गौरव पुत्र अरुण गुर्जर ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। दोस्त नवीन ने बताया कि वह निजी कंपनी में नौकरी करता था। दोपहर में गौरव का कॉल आया था, उसने रैपिडो ऐप के बारे में जानकारी ली थी। जिसके बाद शाम को घर पहुंचा तो कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर जाकर देखो तो दूसरे कमरे में गौरव फंदे पर झूल रहा था। वह डर गया और किचन में चाकू लाकर आया और चाकू से फंदा काटकर गौरव के नीचे उतारा। बाद में पानी के छींटे डाले लेकिन गौरव ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। तब नवीन ने गौरव के भाई सौरभ को कॉल पर बुलाया। दोनों उसे MY लेकर गए। यहाँ डॉक्टर ने गौरव को मृत घोषित कर दिया। गौरव करीब 1.5 साल की निजी कंपनी में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। दीपावली के समय उनकी तबीयत बिगड़ गई। बाद में वह हरदा अपने माता पिता के पास आ गया। दीपावली के बाद वापस आया तो कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया था, जिसके बाद वह तनाव में चले गया था। उसने रुपये में कमी के चलते अपनी बाइक भी गिरवी रख दी थी। भाई के सौरभ के बाइक से वह अपना काम कर रहा था। गौरव के पिता पेशों से किसान है, वही भाई सौरभ ऐसे टेक्नीशियन का काम करता था। एक अन्य घटना में इंदौर के श्यामाचरण शुल्क नगर में रहने वाले रंजीत पुत्र मूत्र नालाय पलैया ने भी अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। रंजीत केटरिंग कर्मचारी था। सोमवार रात वह काम से वापस आया था, जहां बड़ा भाई भाभी और माँ ऊपर के कमरे में थे। इसी दौरान रंजीत ने फांसी लगा ली। रात में पिता घर आए तो उसे फंदे पर लटके देखा। पुलिस के मुताबिक अभी आत्महत्या का लेकर स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। घर पर भी रंजीत की सोमवार को काम से आने के बाद किसी से बात नहीं हुई थी।